ये दो चीजें मिक्स की हैं। क्या क्या मिक्स किया है? शुरुआती अगर है, जैसे अभी हम सीख रहे हैं तो डायग्राम बना लेंगे तो सही रहेगा। 100 ml 0.1 mNaOH और 200 ml 0.2 mNaOH, ठीक, इनको मिक्स किया, ठीक है। इनको जब हम मिक्स करेंगे तो देखो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई। इसमें पड़ा कुछ भी हो, 100 ml और 200 ml पानी मिलाओगे तो पानी तो 300 ml ही होगा। अब मोलैरिटी इसकी चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसकी अलग अलग है, ये अलग अलग है, ठीक है। ध्यान रखना मोलैरिटी हमेशा चेंज होगी। अगर एक ही केस में मोलैरिटी, मतलब अगर अभी वो छोड़ो, वो केस बाद में करेंगे, मोलैरिटी जब भी मिक्सिंग करोगे चेंज होगी क्योंकि वॉल्यूम चेंज होगा। अब ये देखो इसमें सॉल्यूट सेम है, सॉल्यूट अगर सेम है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M final V final, ठीक है। तो M1 मोलैरिटी कितनी है, 0.1। वॉल्यूम अगर ml में रखोगे तो चारों तरफ ml में रखोगे, लीटर में रखोगे तो चारों तरफ लीटर में रखोगे, मैं ml में रख रहा हूँ, ठीक है। इंटू M2.2 इंटू 200 इज इक्वल टू m इंटू 300, ठीक है। तो फाइनल मोलैरिटी कितनी हो गई, ये हो गया 10, ये हो गया 40, 50/300, 1/6, ठीक है। फाइनल मोलैरिटी कितनी हो गई, 1/6, ठीक। अगला क्वेश्चन, हंड्रेड एम एल पॉइंट टू एन एस टू एस ओ फोर एंड 100 ml 0.2 m H2SO4 solutions are mixed. What is the final normality and molarity of the solution? What is the final normality and molarity of the solution? देखो सॉल्यूट सेम है तो हम क्या लगाएंगे, M1V1 प्लस M2V2 M3V3। तो M1, अब इसकी मोलैरिटी नहीं नॉर्मेलिटी दी है, ठीक है। तो इसकी नॉर्मेलिटी दी है तो मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी क्या होती थी, n फैक्टर इंटू मोलैरिटी। तो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, नॉर्मेलिटी अपॉन n फैक्टर। तो इसकी नॉर्मेलिटी कितनी है, 0.2 अपॉन इसका एन फैक्टर कितना है, 2। V1 कितना है, 100। M2 मोलैरिटी कितनी है, 0.2 इंटू V2 कितना है, 100 इज इक्वल टू M3 V1 प्लस V2 कितना है, 200। ये 0.1, ये कितना हो गया, 10 प्लस 20। तो फाइनल मोलैरिटी कितनी हो गई, 30/200 3/20, ठीक है। नॉर्मेलिटी निकालनी है तो भाई दो तरीके हैं कि फाइनल नॉर्मेलिटी सीधे क्या कर दो, n फैक्टर इंटू मोलैरिटी M3, तो 2 × 3/20 ये कट गया, यानी 3/10। या दूसरा तरीका कि भाई ये लगा दो N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3, N3V3 या N final V final। N1 कितना है, 0.2, V1 कितना है, 100, N2 अभी मोलैरिटी दी है, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी क्या होगी, मोलैरिटी इंटू N फैक्टर, ठीक है, मोलैरिटी इंटू N फैक्टर।
तो 0.2 इंटू एन फैक्टर कितना है 2 इंटू 100 इज इक्वल टू एन थ्री, वी थ्री कितना होगा भाई दोनों को 200 ही होगा सॉरी, तो ये कितना हुआ 20, ये कितना हुआ 40, एन थ्री इंटू 200, एन थ्री कितना हो गया 60 अपॉन 200, ये कट गया 3/10, वही चीज आ गई। तो ये दो तरीके हो गए, ध्यान रखना ये कब लगा सकते हो जब सॉल्यूट सेम हो, ठीक। अब देखिए ये फॉर्मूले भी कब वैलिड हैं, ये वाला हो गया या ये वाला हो गया, लिखो नोट, ये वाले M1V1 प्लस M2V2 डॉट 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 एम फाइनल वी फाइनल, या फिर N1V1 N2V2, ये कब वैलिड है, ये तभी वैलिड है, वैलिड ओनली वन देर इज नो रिएक्शन, वैलिड ओनली वेन देर इज नो रिएक्शन तभी वैलिड है ये, ठीक है। तो अगर एसिड के साथ एसिड डालेंगे तो क्या होगा, नो रिएक्शन, बेस के साथ बेस डालेंगे तो क्या होगा, नो रिएक्शन, लेकिन अगर एसिड प्लस बेस डालेंगे तो क्या बनता है आपको पता है, सॉल्ट प्लस वाटर, तो रिएक्शन होगी, ठीक है। ठीक, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 78, हंड्रेड एम एल ऑफ 1 mHcl, 20 mL ऑफ 2 mH2SO4 एंड 30 mL ऑफ 3 mHNO3 आर मिक्स्ड, ठीक है। What is the normality of resulting solution? अब देखो अगर नॉर्मेलिटी की जगह कंसंट्रेशन वर्ड भी यूज करता तो भी इसमें हम नॉर्मेलिटी ही निकालते हैं। क्यों नॉर्मेलिटी निकालते हैं? क्योंकि देखो सॉल्यूट अलग अलग है, सॉल्यूट अलग अलग है लेकिन सारे के सारे क्या है, एसिड है, ठीक है। करो सॉल्व, पॉज करो करो, देखो भाई N1V1 N2V2 N3V3
एन फाइनल वी फाइनल, ठीक है। ये हो गया HCl के लिए, ये हो गया H2SO4 के लिए, ये हो गया HNO3 के लिए, ठीक। तो अब HCl के लिए क्या लिखोगे भाई, मोलैरिटी दी है तो हम क्या लिखेंगे, N फैक्टर इंटू M1। H2SO4 के लिए भी मोलैरिटी दी है तो N फैक्टर H2SO4 का इंटू M2V2। N3 इसकी भी मोलैरिटी दी है तो इसका N फैक्टर इंटू M3 इंटू V3 इज इक्वल टू N फाइनल। और V फाइनल कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अब HCl का N फैक्टर कितना है, 1। मोलैरिटी कितनी है, 1। वॉल्यूम 1 कितना है, 100। N फैक्टर H2SO4 का कितना है, 2। मोलैरिटी कितनी है, 2। वॉल्यूम कितना है, 20, ठीक। तो इसी तरह N फैक्टर HNO3 का कितना है, 1। मोलैरिटी कितनी है, 3। वॉल्यूम कितना है, 30 इज इक्वल टू N फाइनल। तीनों जोड़ लो, 100, 20 और 30, तो कितना हो गया, 150। तो ये कैलकुलेट करो, 100 प्लस 4 इंटू 80 प्लस 90 इज इक्वल टू N फाइनल इंटू 150। N फाइनल इज इक्वल टू 270 अपॉन 150। ये कट गया, 3 9 3 5 गया, 9/5। ये फाइनल नॉर्मलिटी कितनी आ गई, 1.8, ठीक है। सर ये मैथमेटिकली तो आ गया, हाँ बेटा आ गया सर, लेकिन एक डाउट है, बोलो बेटा। सर देखिए, जब आपने यहाँ पे किया, ठीक, ये जो सवाल था जिसमें सॉल्यूट सेम था, तो आपने बोला कि फाइनल मोलैरिटी इतनी है। मोलैरिटी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ध्यान से सुनना सर, अगर हम ये देखें, आपने ये मोलैरिटी ये निकाली, अगर ये मोलैरिटी ये है तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर वही बात, ये जो मतलब समझा रहा हूँ, इसका एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। मशीन की तरह सवाल करना, तो मशीन की तरह सवाल तो ऐसे हो ही जाएगा जैसे मैं कह रहा हूं। जब इसकी मोलैरिटी की हम बात कर रहे थे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज इसको सॉल्व करके आता 0.15, इसका मतलब ये हुआ कि 0.15 मोल्स H2SO4 आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इसका मतलब हुआ 0.15 मोल्स H2SO4 आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, समझे ना। अब जैसे इसमें सर पिछला सवाल था, ठीक, इसी तरह NaOH वाला सवाल था, इसमें मोलैरिटी 1/6 आई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस सॉल्यूशन का 1 लीटर लेंगे तो इसके 1 लीटर में NaOH के कितने मोल्स होंगे, 1/6, ठीक। इसका मतलब क्या है कि अगर इसका 1 लीटर लेंगे तो उसमें H2SO4 के कितने मोल्स होंगे, 3/20 या फिर 0.15। तो सर अब ये बताओ, ये जो आपने मोलैरिटी, तो अब इसी तरह देखो, इसमें मैंने मोलैरिटी तो डिफाइन ही नहीं कर सकता ना, इसीलिए मैंने क्या बोला था, M1 V1 वाला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, हम किसके सॉल्यूट बोलेंगे भाई, HCl के बोलेंगे, H2SO4 के बोलेंगे कि HNO3 के बोलेंगे, किसी के नहीं बोल पाएंगे। सर फिर ये जो आपने निकाला है इसका मतलब क्या है, देखो ये तीनों क्या है, एसिड, तो HCl, H2SO4, HNO3, ये तीनों ही क्या देंगे, H+, ठीक है, ये तीनों ही क्या देंगे, H+, ठीक। तो हमने देखो क्या बोला कि इसकी अगर तीनों एसिड मिलाए हैं तो फाइनल नॉर्मेलिटी ये है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि 1.8 मोल्स प्रेजेंट हैं HCl के, या 1.8 मोल्स प्रेजेंट हैं H2SO4 के, या 1.8 मोल्स प्रेजेंट हैं HNO3 के। इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि 1.8 मोल्स ऑफ H+
आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, समझे ना। जो भी फाइनल नॉर्मेलिटी निकल के आएगी वो एसिड को मिक्स करने पर, वो बेसिकली किसके बारे में बात करेगी, एच प्लस के बारे में, ठीक है। तो अगर ये फाइनल नॉर्मेलिटी आई एसिड को मिक्स करने पर, तो इसका मतलब क्या है, लिखो कि नॉर्मेलिटी ऑफ अबव एसिडिक सॉल्यूशन मिक्सचर इज 1.8 N, नॉर्मेलिटी ऑफ अबव एसिडिक सॉल्यूशन मिक्सचर इज 1.8 N, इट मींस, इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस दैट इन 1 लीटर, इफ वी टेक 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ अबव मिक्सचर, इफ वी टेक 1 लीटर सॉल्यूशन इफ वी टेक 1 लीटर सॉल्यूशन, अगर हम केवल 1 लीटर सॉल्यूशन लेंगे तो क्या होगा, देन 1.8 मोल्स ऑफ एच प्लस, 1.8 मोल्स ऑफ एच प्लस विल बी प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। लिखो 200 ml ऑफ 0.1 M HCl, 300 ml ऑफ 1 N H2SO4 एंड 100 ml ऑफ 0.25 N HNO3 आर मिक्स्ड, यहां M दिया है, यहां पर N दिया है, यहां पर N दिया है, आर मिक्स्ड एंड सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 1 लीटर, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, देखो ये इनको मिक्स किया सर, इनको मिक्स करने पे वॉल्यूम तो कितना हो रहा है, 600 ही हो रहा है, नहीं 600 हुआ लेकिन फिर उसने और पानी डाल के फाइनल वॉल्यूम कितना कर दिया, 1000 ml, ठीक है, उसने फाइनल वॉल्यूम कितना कर दिया, 1000 ml, ठीक। अब इसमें हम केवल क्या लगा सकते हैं, N1V1 N2V2 N3V3 इज इक्वल टू N final V final, ठीक। पहली नॉर्मेलिटी कितनी है भाई, N फैक्टर HCl का 1 है, इंटू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम कितना, 200,
एन टू इसका नॉर्मेलिटी दिया ही है 1, इंटू वॉल्यूम कितना है 300, प्लस एन थ्री इसका नॉर्मेलिटी दी है 0.25, वॉल्यूम कितना है 100, इज इक्वल टू एन फाइनल, वी फाइनल कितना है 1000, ठीक है। तो ये कितना हुआ 20 प्लस 30 प्लस 20 नहीं ये 300 हुआ, 20 प्लस 300 प्लस 25 इज इक्वल टू एन इंटू 1000, नॉर्मेलिटी कितनी हो गई, ये कितना हुआ 345 अपॉन 1000, तो कितनी हो गई 0.345। अब फिर वही बात है, नॉर्मेलिटी इतनी आई इसका मतलब क्या है, कई बच्चे पूछते हैं इसकी यूनिट क्या होती है, तो बेटा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या फिर क्या बोलोगे 0.345 नॉर्मल, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर या फिर 0.345 नॉर्मल, ठीक। तो अब इसकी नॉर्मेलिटी इतनी है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि इट मींस सारे एसिड हैं, इसका मतलब क्या हुआ 0.345 मोल्स ऑफ एच प्लस विल बी प्रेजेंट इन 1 लीटर अबव सॉल्यूशन, मतलब इसमें पूरे में जब भी एसिड हम मिक्स करते हैं तो हमें केवल एसिड से मतलब क्या है, एसिड क्या करता है एच प्लस, हम क्या बोलेंगे 0.345 मोल्स ऑफ एच प्लस विल बी प्रेजेंट इन अबव सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, देखो 100 ml ऑफ 1 MnaOH, 20 ml ऑफ 2 MbaOH whole twice एंड 30 ml ऑफ 3 MkOH आर मिक्स्ड, व्हाट इज द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, देखो तीनों ही बेस हैं, अब देखो N1V1 N2V2 N3V3 N final V final, ठीक। पहले की नॉर्मेलिटी भाई क्या होगी, एन फैक्टर इंटू मोलरिटी इंटू 100, ये मान लो एन ए ओएच है, बी ए ओएच होल ट्वाइस, एन फैक्टर इंटू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, एन थ्री के ओएच, एन फैक्टर इंटू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, एन फाइनल, वी फाइनल कितना हुआ 150 ml, इतना हुआ 100 + 4 = 80 + 90, एंड फाइनल कितना हुआ 270/150, 1.8 तो हम क्या बोलेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ कि इस सॉल्यूशन में 1.
मतलब जो भी नॉर्मेलिटी निकल के आती है, एक बात और ध्यान रखना, जैसे इसमें जो ये नॉर्मेलिटी निकल के आई थी, ये क्वेश्चन नंबर 78 जो था एचसीएल वाला, इसका मतलब क्या हुआ, ये 1.8 नॉर्मेलिटी है सॉल्यूशन की, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे, मोलैरिटी ऑफ एच प्लस। अगर पूछेंगे इसमें मोलैरिटी कितनी एच प्लस की, तो यही है। ऐसा कैसे, क्योंकि एच प्लस में इनफेक्टर कितना है, आयन्स का कितना होता था, चार्ज, चार्ज कितना है, वन। ठीक है, तो ये हो गया 1.8 मोल्स ऑफ एच प्लस आर प्रेजेंट। इसी तरह अगर ये निकल के आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस इस सॉल्यूशन में कितनी है, 1.8। ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, बाय डिफॉल्ट मोलैरिटी, यानी कि मोल्स पर लीटर। इस स्क्वायर ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, मोलैरिटी या फिर मोल्स पर लीटर। ठीक, ठीक है भाई। अब देखो, तो अगर ये OH माइनस का कंसेंट्रेशन इतना आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस 1.8 मोल्स ऑफ OH माइनस आर प्रेजेंट इन, 1.8 मोल्स ऑफ OH माइनस आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए अभी तक हमने जितने भी सवाल करे, हमने क्या मिक्सिंग की, एसिड प्लस एसिड या बेस प्लस बेस। अब पहला क्वेश्चन जिसमें हम क्या करेंगे, एसिड प्लस बेस। ठीक, अब ध्यान रखना, जब हम एसिड प्लस बेस मिक्स करते हैं तो दो कंडीशन हो सकती हैं। अगर एनवी ऑफ एसिड एनवी ऑफ बेस से ज्यादा है तो क्या होगा, सॉल्यूशन विल बी एसिडिक, यानी फाइनल क्या बचेगा, एच प्लस बचेगा। और क्या करोगे इसमें, एनवी ऑफ एसिड माइनस एनवी ऑफ बेस इज इक्वल टू एनवी फाइनल, ये तो हमेशा ही ऐड होगा, वी वन प्लस वी टू। ठीक है, दूसरा केस, अगर बेस का एनवी ज्यादा है तो क्या होगा, सॉल्यूशन विल बी बेसिक। ठीक, और फाइनल क्या बचेगा, ओ एच माइनस बचेगा। ठीक है, तब क्या घटाओगे, ये फाइनल क्या होगा, एच प्लस की कंसंट्रेशन, तब इसमें क्या करोगे, एनवी ऑफ बेस माइनस एनवी ऑफ एसिड इज इक्वल टू एनवी फाइनल। ये वी तो हमेशा ही वी वन प्लस वी टू या वी थ्री जितने भी होंगे, और ये किसकी कंसंट्रेशन बचेगी, OH की फाइनल कंसंट्रेशन बचेगी। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, लिख लीजिए इसको। थ्री एम एस टू एस ओ फोर इज मिक्स्ड विद 300 ml टू एम एन ए एच। तो को पहले HCl करते हैं, ज्यादा आसान पड़ेगा। 2 mNaOH, वॉट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, या वॉट इज द कंसंट्रेशन ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, करिए।
देखो ये जो मैंने बताई ना आपको, ये बेसिकली ट्रिक है। इसका कंसेप्ट आपको बाद में समझ में आएगा, अभी ये ट्रिक है। ऐसा क्यों हो रहा है ये मैं समझाऊंगा बार बार, लेकिन हो सकता है अभी आपकी समझ में ना आए, क्योंकि वो जो समझाने का कंसेप्ट है वो मूल कंसेप्ट पार्ट 3 से आएगा, और अभी पार्ट 3 हमने पढ़ा नहीं है। अब देखो, जब भी आए पहले एसिड देखो, NV निकालो एसिड का, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी क्या होगी, एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। बेस का NaOH है, एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, ये कितना हुआ 6। अच्छा ये तो 6 6 हो रहा है, रुको कुछ और करते हैं, इसको 1.5 m कर लो, 1.5। अभी कितना हुआ 450, ठीक है। दोनों बराबर हो जा रहे थे अभी, सर बराबर होंगे तब क्या होगा, तो वो वाला केस अभी बाद में करेंगे, वो आयनिक में आएगा बेसिकली। ये 600 है, ये कितना है 450। तो बस एसिड ज्यादा है बेस से, तो क्या होगा, देखो इसमें एसिड के ज्यादा है तो फाइनल सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। ठीक है, अब क्या लिखोगे, एनवी ऑफ एसिड माइनस एनवी ऑफ बेस एनवी एसिड के कितने 600, बेस के कितने 450, एनवी फाइनल कितना है, ये हो गया वी कितना है 500। कितना होगा 3/10.3, ठीक है। तो ये आया, इसका मतलब क्या है, फाइनल एसिड ज्यादा था तो इन फाइनल सॉल्यूशन एच प्लस कंसेंट्रेशन विल बी 0.3। इसका मतलब क्या हुआ, इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इन 1 लीटर सॉल्यूशन 0.3 मोल्स ऑफ एच प्लस विल बी प्रेजेंट, ठीक है। अब यही बेस के ज्यादा होते तो हम क्या बोलते हैं, फाइनल सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है। पॉज करो, लिखो फिर अगला क्वेश्चन। अच्छा नहीं रुको, ये सर ऐसा हुआ क्यों, पहले ये देखते हैं रीजन, तेरा आपने माइनस क्यों किया, समझो। जब भी एच प्लस प्लस ओ एच माइनस करोगे तो वो वाटर बनाता है, ठीक है। तो मान लो सपोज, अब एच प्लस के मोल्स कितने थे एसिड के, देखो 600 मिली मोल्स, इसको क्या बोलोगे मिली मोल्स। मिली मोल्स क्यों है ये, मिली मोल्स क्यों है ये, क्योंकि वॉल्यूम किसमें, एमएल में, ठीक है। और एसिड की नॉर्मेलिटी उसके एच प्लस की मोलैरिटी होती है, ये बात याद रखना, एसिड की नॉर्मेलिटी उसके एच प्लस की मोलैरिटी होती है, बेस की नॉर्मेलिटी उसके ओ एच माइनस की मोलैरिटी होती है। तो इसमें ये जो एसिड का एनवी करके तुम निकालते हो ना एसिड के लिए, तो तुम सीधे उसका क्या निकालते हो एच प्लस, तो यानी इसके मिली मोल्स कितने थे एच प्लस के, खुद देखो 600 थे, इसके कितने थे 450, ठीक। तो खुद सोचो, इसका एक मॉलिक्यूल, इसका एक आयन इसके एक आयन के साथ रिएक्ट करता है, तो इसके क्या 600 रिएक्ट कर सकते हैं, नहीं। अगर इसके 600 रिएक्ट करना चाहेंगे तो इसके कितने होने चाहिए 600, लेकिन इसके हैं कितने, तो इसके हैं कितने 450, तो इसके 450 देखो रिएक्ट कितने करेंगे, इसके 450 हैं तो इसके 450 रिएक्ट करें, ये 1 है तो ये भी 1 है, इसका एक आयन इसके एक आयन के साथ रिएक्ट करता है, तो जब ये 450 रिएक्ट करेगा तो ये भी कितना रिएक्ट करेगा 450, तो बचेगा कितना 150, इसमें कितना 0, बाकी तो पानी बन गया 450, इससे हमें मतलब नहीं। तो देखो यहां दिख रहा है 150 मिली मोल्स ऑफ एच प्लस आर रिमेनिंग, देखो 150 मिली मोल्स ऑफ एच प्लस आर रिमेनिंग,
यानी मोल्स कितने हुए, मोल्स हुए मिली मोल्स अपॉन 1000 यानी 0.15। तो फाइनल मोलैरिटी क्या होगी एच प्लस की, उसके मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना है 200 प्लस 300 500। ठीक, 200 प्लस 300 हाँ, ये वॉल्यूम इन एमएल आया तो इनटू 1000 करोगे तो क्या हो जाएगा 0.15 अपॉन 500 इनटू 1000, तो ये टू टाइम्स देखो आ गया 0.3 सेम आया। तो बेसिकली ये जो हम ये माइनस करते हैं वो हम यही चीज कर रहे हैं। देखो यहां हमने क्या कर रहे हैं 600 माइनस 450 क्योंकि ये ज्यादा था, इसी तरह अगर ये ज्यादा होगा तो इधर से ये माइनस हो जाएगा, समझे ना। और फिर ये देखो हमने 500 से डिवाइड किया। ये चीज हो सकता है आपको सामने ना आई हो तो ये अभी के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन इसको 4 से 5 बार रिवीजन करिएगा क्योंकि इस चैप्टर में तो देखो यूज है नहीं, तुम रट के इस तरीके से इसको कर सकते हो, लेकिन इसको समझोगे तो आगे तुम्हें फायदा रहेगा, तुमको समझ में आएंगी चीजें। क्वेश्चन नंबर 82, टू हंड्रेड एम एल ऑफ 0.1 mSCl, 300 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 एंड 100 ml ऑफ 0.25 m NaOH आर मिक्स्ड एंड रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 1 लीटर आर मिक्स्ड एंड रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 1 लीटर फाइंड आउट नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। अब फिर से देखो इस बार एसिड कौन कौन से हैं, HCl और H2SO4, बेस कौन सा है NaOH, ठीक है। तो NV HCl का कितना N फैक्टर, HCl का 1 मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम 200, H2SO4 का इन्फेक्टर 2 मोलैरिटी 0.5 इनटू 300, बेस का इन्फेक्टर NaOH का कितना है 1 इनटू मोलैरिटी इनटू 100, ये कितना हुआ 20, ये कितना हुआ 300, ये कितना हुआ 25, 320 और ये कितना हुआ 25। ठीक, तो बस NV किसके ज्यादा है, एसिड के ज्यादा है, NV किससे, बेस से, ठीक है, एसिड के NV ज्यादा है किससे, बेस से। तो सीधे सीधे क्या बोलोगे कि NV ऑफ एसिड माइनस NV of base is equal to NV of final। एसिड का कितना है 320, बेस का कितना है 25, फाइनल नॉर्मेलिटी N, फाइनल वॉल्यूम 200 प्लस 300 प्लस 100 600, तो ये कितना हो गया 295 अपॉन 600। ठीक है, नहीं गलत कर रहा हूं मैं, यहां क्या बोला उसने, फाइनल सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 1 लीटर, तो यहां मुझे क्या लिखना चाहिए 1000, तो
तो फाइनल नॉर्मेलिटी कितनी होगी 0.295, क्योंकि उसने क्या बोला सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 1 लीटर। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक, क्योंकि H प्लस के मोल्स ज्यादा थे तो फाइनल सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। अब फिर से देख लो भाई दूसरा वाला जो असली तरीका है कि H प्लस प्लस ओ एच माइनस ये मिलके क्या बनाएंगे, वाटर। ठीक, मिलीमोल्स कितने H प्लस के 320, OH माइनस के कितने हैं 25, तो ये 20 जो कम है ये पूरे पूरे रिएक्ट कर जाएंगे, ये भी 25 रिएक्ट कर जाएगा, तो फाइनल कितना बचेगा ये 320 माइनस 25 295, ये जीरो। ठीक है ना, ठीक, तो ये हो गया। अब बताओ इसका मतलब है कि 295 मिलीमोल्स, मतलब कि 0.295 मोल्स आर प्रेजेंट इन वन लीटर सॉल्यूशन। बस ठीक है, अब ये डाइल्यूशन वाला टॉपिक खत्म हो गया है। अब देखो इंटर कन्वर्जन बिटवीन डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स, ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल कंसेप्ट का। होता क्या, जनरली हो सकता है तुम्हें मोलैरिटी दी हो, पूछी क्या हो, मोलैरिटी पूछे, मोलैरिटी दे दे, मोलैरिटी पूछे। ये वाला देखो टाइप हम कर चुके हैं कि परसेंटेज बाई वेट दे दे, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी पूछे। ठीक, या फिर मोल फ्रैक्शन दे दे और क्या पूछे, मोलैरिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी। जनरली इस टाइप के सवाल होते हैं। ठीक है, कि एक चीज देता है दूसरी पूछ लेता है। ठीक है, मान लो पीपीएम दे दे और क्या पूछ ले, मोलैरिटी पूछ ले, मोलैरिटी पूछ ले, समझे ना। देखिए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं इस ये बच्चों को एक्सट्रीमली टफ लगता है, बहुत ज्यादा टफ लगता है। ठीक, अच्छे अच्छे बच्चों को टफ लगता है, लेकिन मैं आपको दो चीजें बताऊंगा केवल, एक तरीका मैंने डेवलप किया, एक ट्रिक है जिससे कि सारे सवाल हो जाएंगे सारे के सारे। बस तुम्हें दो चीजें फॉलो करनी है, बस डेफिनेशन आनी चाहिए बस। अब इसके पहले फिर से सॉल्यूशन का कुछ देख लेते हैं कि भाई सॉल्यूशन होता क्या है। जैसे सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा बताओ, सॉल्यूट उसमें क्या डाल देंगे, सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब मान लो कभी हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो हम क्या करेंगे भाई, डेंसिटी क्या होती है, वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक, तो अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो क्या करोगे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, दूसरी चीज वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा बताओ, वेट क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा,
मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। लिख लीजिए, अब देखिए व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ 0.25 mL HNO3 सॉल्यूशन गिवन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.15 ग्राम पर ml। देखो ध्यान रखना इसमें तरीका क्या है, एक चीज गिवेन होगी, एक यूनिट गिवेन होगी, एक यूनिट आस्ट होगी, ठीक। जो गिवेन है उसकी डेफिनेशन इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश मतलब सेंटेंस में, अभी समझाता हूं। और जो आस्ट है उसका लिखो किसमें, फॉर्मूले में। ये ट्रिक करोगे तो बहुत काम आएगी। अब गिवन क्या है, मोलैलिटी। देखो स्टार्ट कैसे करना सवाल, जो गिवन है ये दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 0.25 मोल्स HNO3 आर प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हम क्या मान के चलते हैं, वाटर, ठीक। यही तो डेफिनेशन थी मोलैलिटी की। तो जो ये चीज आई इसको लेट कर लो, लेट 1 kg वाटर, ठीक है। अब अगर 1 kg वाटर लिया इसका मतलब उसमें कितने मोल्स होंगे, 0.25 मोल्स किसके होंगे, HNO3 के, ठीक है भाई। इतना लिख लिया हमने। अब जो आस्ड है दो स्टेप, क्या जो गिवन था उसकी डेफिनेशन इंग्लिश में लिखी, जो ये था इसको हमने यही चीज लेट कर ली सॉल्यूशन में, कि भाई मान लो हमने 1 kg वाटर ले लिया, तो 1 kg वाटर लोगे तो कितने मोल्स हो गए, HNO3 के 0.25। अब क्या करो, जो आस्ट है उसको फॉर्मूले में लिखो, आस्ट क्या, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मान लो ml इनटू 1000। हमें ये तुरंत पता चल गया, देखो ये, अब हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो अब हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा, ये जो हमने लेट किया है प्लस जो ये दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा भाई, डेंसिटी क्या होती है, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, वेट अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वेट, वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है कितना, 1.15 ग्राम पर ml। अब देखो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, बताओ वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट तो 1 kg यानी 1000 ग्राम है ही। अब वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट,
0.25, मॉलिकुलर वेट कितना है HNO3 का? 63। ठीक है, तो ये कितना हो गया 15.75 प्लस 100, तो 115.75 ग्राम। ठीक, तो बस फिर मोलरिटी क्या हो जाएगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने, 0.25 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वेट अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है 1.15 इंटू 1000, तो ये अप्रोक्सीमेटली 100 टाइम्स मान लो, ये कट गया, ये कितना आ गया 2.5। एग्जैक्टली चाहो तो एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लो, वैसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसका। ठीक है बेटा, ठीक, जो फिर से बता रहा हूं, जो दिया हुआ है उसकी डेफिनेशन इंग्लिश में लिख लो, ठीक है, और जो पूछा गया है उसकी डेफिनेशन फॉर्मूले में लिखो। जैसे डेफिनेशन इंग्लिश में लिखोगे तो इधर वाले को लेट करो, जैसे इधर वाले को लेट करोगे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, मोल्स आ जाएंगे, मोल्स आ गए। फिर जो आस्क्ड है उसका फॉर्मूला ऐसे लिखो, फिर अब देख लो ये पता है ये चाहिए, तो ये चाहिए तो ये कहां से आएगा, यहां से जो लेट किया और एक चीज डेटा दी होगी क्या क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस टाइप से सवाल करते हैं जिसके इंटर कन्वर्जन के, एक दिया है दूसरा पूछा है। चलो भाई क्वेश्चन, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ .36 m H2SO4 given density of solution is 1.2 gram per ml, ये 83 हुआ। देखो भाई पॉज करके अभी तक आपने कर लिया होगा, पहली बात गिवन क्या है, 0.36 m H2SO4, तो इसका मतलब क्या है कि 0.36 मोल्स H2SO4 आर प्रेजेंट इन 1000 ग्राम वाटर, ये जो डेफिनेशन हुई। अब क्या लेट कर लोगे, लेट 1000 ग्राम वाटर, 1000 ग्राम वाटर लेट करोगे तो मोल्स कितने हो जाएंगे, 0.36। ठीक है, ठीक है, ये मोल्स हो गए। ठीक है, अब देखो जो चाहिए मोलारिटी उसको क्या लिखोगे, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000। ठीक, अब वॉल्यूम कहां से निकालोगे, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी। ये हमें पता चल गया, इससे ये चाहिए, ये पता है वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फिर से देखो वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है भाई, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, ये ग्राम में आ जाएगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 1000 ग्राम। ठीक है, देखिए अगर इसको कैलकुलेट करें
35.98, तो ये आ गया 1035.28, कैलकुलेटर से लिया मैंने ग्राम, ठीक है। तो बस ये वेट आ गया, तो वॉल्यूम क्या हो गया 1035.28 अपॉन डेंसिटी कितनी है 1.2, ठीक। तो बस फिर मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी हो गई, नंबर ऑफ मोल्स 0.36 अपॉन वॉल्यूम 1035.28 अपॉन 1.2 इंटू 1000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ 0.1 mNaCl गिवन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.05 ग्राम पर ml। देखो इस बार क्या मोलैलिटी पूछी है, मोलैलिटी दी है। पिछले दो सवालों में क्या था कि ये गिवन था, ये पूछा था। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 84, ठीक। फिर भी बात गिवन क्या है, मोलारिटी गिवन 0.1 mNaCl। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे इंग्लिश में, इसका मतलब क्या हुआ, 0.1 मोल्स NaCl आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या एज्यूम करोगे, ये तो लेट हमने क्या किया, 1 लीटर सॉल्यूशन इज टेकन। तो जैसे ही 1 लीटर सॉल्यूशन लोगे उसमें क्या होगा, 0.1 मोल्स किसके हो जाएंगे, NaCl के, ठीक है। जैसे 1 लीटर लोगे तो उसमें 0.1 मोल्स किसके हो जाएंगे, NaCl के हो जाएंगे, ठीक। अब जो चाहिए मोलैलिटी, तो क्या होगा, मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स करोगे तो इन 2000, ठीक। ये देखो, ये तो हमें पता है, हमें बेसिकली ये निकालना है वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो अब क्या करोगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, तो फिर वही बात, वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये निकालना है। वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, बस सॉल्यूट के मोल्स कितने, 0.1 इंटू मॉलिक्यूलर वेट NaCl का 23, इसका 35.5, तो इसका कितना हो गया 58.5। वेट ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी क्या होती है, वेट अपॉन वॉल्यूम, तो वेट क्या होगी, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितनी है इसकी 1.05 इनटू वॉल्यूम कितना है 1 लीटर यानी 1000 ml। तो बस ये कितना हुआ 1050 ग्राम्स इज इक्वल टू 5.85 ग्राम प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया 1050 माइनस 5.85 इज इक्वल टू 1044.15 ग्राम, तो आ गया वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो बस मोलरिटी कितनी हो गई भाई, नंबर ऑफ मोल्स 0.1 अपॉन 1044.15 इंटू 1000, कितनी हो गई 100 अपॉन 1044.15, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करिए।
फाइंड आउट द मोलैलिटी ऑफ 0.2 mm एनी अवर सोल्यूशन. डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.1 ग्राम पर ml. देखो फिर से वही बात, ये अब तो मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा. गिवन क्या है, 0.2 mm NaOH. ठीक, तो फिर इसकी डेफिनेशन लिखो. इसका मतलब क्या हुआ, 0.2 mmol NaOH आर प्रेजेंट इन 0.2 mmol NaOH आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, लेट करो क्या, लेट 1 लीटर सोल्यूशन. अब जैसे ही 1 लीटर सोल्यूशन तुमने लिया, इसका मतलब क्या हुआ, 0.2 mmol मिल गए आपको किसके, NaOH के. अब आपको चाहिए क्या, मोलैलिटी. मोलैलिटी क्या होगी भाई, मोल्स अपॉन वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000. तो ये पता है हमें 0.2 है, वेट इन, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, तो फिर वही बात, वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट. अब वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, भाई वेट क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम है कि नहीं भाई. डेंसिटी क्या होती है, वेट अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. डेंसिटी कितनी है, कौन सा क्वेश्चन था, यार NaOH था कि NaCl था, चलो NaOH ही था. तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. वॉल्यूम कितना है, 1000 ml. डेंसिटी कितनी है, 1.1 ग्राम पर ml. सर ml में क्यों रखा, क्योंकि डेंसिटी देखो ग्राम पर ml में है, इसलिए वॉल्यूम ml में. और वेट किस में रखोगे, इसका भी ग्राम में, इसका भी ग्राम में. तो वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मोल्स इनटू मॉलिक्यूल, ग्राम एटॉमिक वेट. वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, 1100 माइनस ये कितना हुआ, 8 ग्राम. तो 1100 माइनस 8 कितना हुआ, 1092 ग्राम. ठीक, तो मोलैलिटी कितनी होगी भाई, मोल्स 0.2 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000. तो 200 अपॉन 1092. ठीक है, 86. अ बॉटल ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4
इज लेबल्ड एज 18 ml. अ बॉटल ऑफ कंसेंट्रेटेड एस्प्रेसो 4 इज लेबल्ड एज 18 ml. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.84 ग्राम पर ml. What is the percentage by weight and mole fraction of H2SO4 solution? What is the percentage by weight and mole fraction of H2SO4 solution? तो इसको बेटा खुद से ट्राई करो, कम से कम इस पे 10 से 15 मिनट दो, जब तक हो नहीं जाता पॉज करो. जैसे तरीका बताया है कि जो गिवन है उसकी डेफिनेशन इंग्लिश में लिखो, फिर जो आया उसको एज्यूम करो. ठीक है, इस तरीके से करिए. ठीक, पॉज करिए. अब देखिए सॉल्यूशन ये दिया है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि 18 मोल्स H2SO4 आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन. क्या लेट करोगे? 1 लीटर सॉल्यूशन. लेट 1 लीटर सॉल्यूशन. जैसे तुमने 1 लीटर सॉल्यूशन लेट किया, इसका मतलब क्या हो गया? 18 मोल्स किसके हो गए? H2SO4 के. ठीक है, 18 मोल्स किसके हो गए? H2SO4 के. ठीक है, अब देखो. तो बस अब चाहिए क्या हमें? मान लो चाहिए क्या था? परसेंटेज बाय वेट. तो परसेंटेज बाय वेट क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट ऑन वेट ऑफ सॉल्यूशन. इनटू 100. ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट निकल आएगा कैसे? 18 इंटू 98 ग्राम मोल्स इंटू मॉलिकुलर वेट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100. क्वेश्चन ये, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? ठीक, वेट ऑफ सॉल्यूशन. तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? सिंपल सी बात है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. तो वॉल्यूम कितना है? 1000. डेंसिटी कितनी? 1.84 इंटू 100 हो गया. बस तो परसेंटेज बाई वेट आ गया 18 इंटू 98 अपॉन 1840 इंटू 100. ठीक, अब ये तो आ गया. दूसरी चीज क्या निकालनी थी? मोल फ्रैक्शन. ठीक है, दूसरी चीज हमें निकालनी थी मोल फ्रैक्शन. तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? देखो, तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन मोल्स ऑफ H2SO4 प्लस मोल्स ऑफ वाटर. ये पता हमें, ये निकालना है. तो मोल्स ऑफ वाटर क्या होंगे? वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट. मॉलिकुलर वेट ऑफ वाटर कितना? 18. तो बेसिकली हमें क्या चाहिए? वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए. तो बस फिर वही बात, 1 लीटर सॉल्यूशन है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे आएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट. वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. डेंसिटी कितनी थी इसकी? 1.84 ग्राम पर ml. ठीक, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? मोल्स इनटू मॉलिकुलर वेट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट. ये हो गया 1840 ग्राम्स. 18 इंटू 98 कैलकुलेटर से कैलकुलेट में कर रहा हूं.
1764 प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो बस वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, नाइन्टी सिक्स ग्राम। ठीक है, तो बस निकालना क्या था, मोलैलिटी, मोल्स, मोल्स कितने, 18 अपॉन ये इन ग्राम्स इनटू 1000। ठीक है भाई, ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट था, नहीं मोलैलिटी नहीं निकालनी थी, सॉरी मोल फ्रैक्शन निकालना था। तो मोल फ्रैक्शन कितना हुआ, मोल्स ऑफ H2SO4 18 अपॉन 18 प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट ये है, तो मोल्स ऑफ वाटर कितने हो गए, 18 ये कितना हुआ, 96 अपॉन 18 5.3, तो बस 18 अपॉन 23.33 ये आ गया इसका क्या, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब चलिए अगला सवाल, 85 था, 86 वट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ एन ओ एच इन 0.5 ml एन ओ एच सोल्यूशन, बहुत ही आसान है। देखो फिर वही बात, गिवन क्या है, 0.5 ml एन ए ओ एच, ठीक है, तो क्या इसका मतलब क्या होगा, 0.5 moles एन ए ओ एच आर प्रेजेंट इन 1 kg वाटर। ठीक, ये लेट कर लो, लेट 1 kg वाटर, जैसे ही 1 kg वाटर लेट किया उसका मतलब कितना हो गया, 0.5 moles एन ए ओ एच, ठीक, 0.5 और मोल्स ऑफ वाटर फिर कितने हो गए, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट, ये 1000 अपॉन 18 आपको बता चुका हूँ, 55.55। तो बस मोल फ्रैक्शन ऑफ एन ए ओ एच क्या हुआ, मोल्स एन ए ओ एच के अपॉन उसके मोल्स प्लस टोटल मोल्स 55.55, ये कितना हो गया, 0.5 अपॉन 60.55 बस। ठीक है, दो लिखो, 87 व्हाट इज द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन, हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, ब्रैकेट में लिख लो डॉट टू एस टू, ये फॉर्मूला है ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन, गिवन given density of solution is 1.08 gram per ml and mole fraction of oxalic acid is 0.4, ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो, what is the molarity and molality of H2SO4 solution in which mole fraction of H2SO4 is 0.2 and density of solution is 1.13 gram per ml. Question था कि molarity और molarity निकालनी है H2SO4 की,
क्वेश्चन नंबर नहीं पता, मैं इसको अपने मन से 70 मान लेता हूँ, ठीक है। मोल फ्रैक्शन दिया है 0.2 और डेंसिटी दी है 1.13 ग्राम पर एमएल, ठीक। तो एक इसमें ट्रिक लगेगी, ट्रिक क्या लगेगी, ध्यान रखना कि जब भी मोल फ्रैक्शन गिवन हो और कुछ और निकालना हो, ध्यान से सुनो, जब भी मोल फ्रैक्शन गिवन हो और कुछ और निकालना हो, कोई और कंसंट्रेशन की टर्म्स निकालनी हो, तो टोटल मोल्स क्या मान के चलोगे, 1, ठीक। तो क्या टोटल मोल्स क्या मान के चलोगे, 1, ठीक है। तो लेट टोटल मोल्स इक्वल टू 1, टोटल मोल्स 1 है, तो फिर H2SO4 के मोल्स कितने हो गए, 0.2, तो फिर मोल्स ऑफ वाटर कितने हो गए, 0.8, ठीक ठीक है। अब बताओ मोलारिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ H2SO4 इसमें प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पहले वॉल्यूम के पहले मोलारिटी देख लेते हैं, मोलारिटी क्या होती है, मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इन 2000। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा बताओ, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ वाटर इंटू 1000, ठीक है। मोल्स ऑफ H2SO4 कितने, 0.2, मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं, 0.8, मॉलिकुलर वेट ऑफ वाटर कितना है, 18 इंटू 1000, ये कितना हुआ, 4 टाइम्स, ये कितना हुआ, 250, कितना हो गया, 250 अपॉन 18, ठीक। अब मोलारिटी निकालनी है, मोलारिटी के लिए हमें क्या चाहिए, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, डेंसिटी क्या होती है, वेट अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, वेट अपॉन डेंसिटी। तो वेट क्या होगा सॉल्यूशन का, वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन डेंसिटी, ठीक। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है भाई, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या है भाई, H2SO4 के मोल्स इंटू उसका मॉलिकुलर वेट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है, वाटर, वाटर के मोल्स इंटू 18 ग्राम मॉलिकुलर वेट अपॉन डेंसिटी कितनी है। अब ये ग्राम में है, डेंसिटी किस में है, 1.13 ग्राम पर एमएल, सॉरी, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये तो पर एमएल में है तो ये ऊपर आ जाएगा, एमएल में हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, थर्टी फोर अपॉन 1.13, तो ये हो जाएगा 30 ग्राम, सॉरी 30 ml, ठीक है ठीक। अब मोलारिटी क्या होगी, मोल्स, मोल्स कितने, मोल्स ऑफ H2SO4 कितने, 0.2 अपॉन वॉल्यूम कितना है, 30 इंटू 1000, तो ये कितना हुआ, 200 अपॉन 30, ये कट गया 6.66, ठीक है 6.66, ठीक। तो ये देखो निकल आया। तो खास बात ये है कि जब भी मोलारिटी दी हो और कुछ गड़बड़ तो नहीं की मैंने इसमें, कैलकुलेशन में 98 इंटू 0.2, मेरे हिसाब से तो ये सही है, कोई कैलकुलेशन एरर नहीं है, ठीक है। और क्या निकालना था, मोलारिटी, मोलारिटी ही निकालनी थी ना, तो बस ये भी आ गया, ये भी आ गया। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन क्या था कि भाई हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड था, तो हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड ये होता है, ठीक है, इसका अगर मॉलिकुलर वेट निकालोगे तो क्या आ जाएगा बताओ। गिया क्या था, डेंसिटी दी हुई थी, डेंसिटी कितनी दी थी 1.08 ग्राम पर ml, मोल फ्रैक्शन कितना था 0.4, तो बस इसमें भी टोटल मोल्स कितने मान लिए 1, ठीक, तो ऑक्सैलिक एसिड के कितने हुए 0.4, तो वाटर के कितने हुए 0.6, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड के 0.4, वाटर के 0.6, ठीक ठीक है भाई। अब देखो इसका मॉलिकुलर वेट निकाल लो जरा, ऑक्सैलिक एसिड का कितना होगा 46, 45, 90, 18, 36, 126 होगा इसका मॉलिकुलर वेट, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, मेरे हिसाब से ये निकल के आएगा CO2 44, 44, 90, ठीक 126 निकलेगा इसका मॉलिकुलर वेट। अब देखो फिर से भाई बात, मोलैलिटी क्या हो जाएगी, मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कितने हैं 0.4 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है बताओ भाई, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा मोल्स इनटू मॉलिकुलर वेट इनटू 1000, ठीक, तो ये हट गया, ये 2 times, ये 3 times, तो 2000 अपॉन 3 into 18, ये कट गया, ये कट गया 1000 upon 27, ठीक, ये आ गई मोलैलिटी। अब देखो वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी, वेट क्या होगा, वेट सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का कितना होगा भाई, सॉल्वेंट के मोल्स इनटू मॉलिकुलर वेट प्लस सॉल्यूट के मोल्स इनटू उसका मॉलिकुलर वेट अपॉन डेंसिटी कितनी है 1.08, ये ml में आ जाएगा, ये देखो ठीक है, ये इतने ml हो गया, ठीक है, वॉल्यूम हो गया 56.66 ml, ठीक, तो बस मोलैरिटी क्या हो गई, मोल्स, मोल्स कितने हैं इसके ऑक्सैलिक एसिड के 0.4, 56.66 इंटू 1000, तो 400 upon 56.66, ठीक, कितना हुआ 7.06।